यूपी में एक और रेल हादसा हुआ है। कानपुर और इटावा के बीच औरैया जिले में ये हादसा हुआ। आजमगढ़ से दिल्ली आ रही 12225 अप कैफियत एक्सप्रेस औरैया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मानव रहित फाटक पर देर रात ट्रेन एक डंपर से टकरा गई। उत्तरी मध्य रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक दुर्घटना की वजह से ट्रेन के इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में 21 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में से 2 यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। इससे पहले शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में रेल हादसा हुआ था, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। औरैया में ये हादसा उत्तरी मध्य रेलवे के CPRO विजय कुमार के मुताबिक दुर्घटना में घायल 14 लोगों को औरैया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दिल्ली से मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी मौके के लिए रवाना कर दी गई थी। रेल दुर्घटना की सूचना में मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। हादसे के बाद दिल्ली कानपुर दिल्ली लखनऊ रूट की 40 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई थी। 60 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कानपुर रेंज के IG ने आज बातचीत में नया खुलासा किया। IG का कहना है कि रेल पटरी पर डंपर पहले से ही पलटा हो सकता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। औरैया के DM और SP मौके पर मौजूद हैं। घायलों की मदद के लिए औरैया इटावा और कन्नौज से एम्बुलेंस और पुलिस मंगा ली गई है। राहत कार्य के लिए लखनऊ से NDRF की एक टीम भी रवाना हो चुकी है। उधर आजमगढ़ में रेल दुर्घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के परिजन अपनों की सलामती की खबर पता करने स्टेशन पहुंचने लगे। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन हादसा रात करीब 2:40 पर हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन एक डंपर से टकरा गई। छल्लेटा और पाता रेलवे स्टेशन के बीच एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर रेल फाटक पार कर रहे एक डंपर से ट्रेन का इंजन टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि डंपर चला रहे ड्राइवर को नींद आ जाने के चलते यह भीषण दुर्घटना घटी। डंपर फ्रिज कॉरिडोर के लिए काम कर रहा था और उसमें रेत भरी हुई थी। यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल ने इस घटना को लेकर जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। बता दें कि अभी शनिवार को ही पुरी से हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर बताया कि वे हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। कुछ यात्रियों को चोट लगी है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। हर पल सच्ची खबर के लिए आज हमें सब्सक्राइब करें।